हेलो व्यूअर्स, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं पैराडाइज बर्ड्स इंफॉर्मेशन ऑफिशियल और मैं अदील हैदर। जिस तरह से आप लोगों के लिए नई नई इन्फॉर्मेटिव वीडियो लाता रहता हूं, तो भाई इस वीडियो को भी आप एंड तक देखेगा, इंशाल्लाह आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। तो भाई हमारे सब्सक्राइबर व्यूअर्स ने पूछा था कि अदील भाई जरा छोटे बर्ड्स पे टॉकिंग का बता दे, काफी टाइम हो गया आपने टॉकिंग का नहीं बताया कि छोटे बर्ड्स में कौन कौन सा पैरट जो है वो टॉकिंग कर सकता है और कितना बड़ा बच्चा हमने लेना चाहिए, आया हैंड फीड कर लें या सेल्फ फीड कर लें। तो इस पे सारी वीडियो होने वाली है, वीडियो को कहीं स्किप मत करिएगा, ऐसा ना हो कोई आपके काम की चीज हो और आप मिस कर दें उसको। तो वीडियो शुरू करने से पहले यार वही रिक्वेस्ट, जल्दी से ये लाल कलर का बटन आ रहा है अपने भाई के चैनल को सब्सक्राइब कर लो। अगर समझते हो कि अच्छा कंटेंट लेके आता हूँ, अच्छी वीडियो लेके आता हूँ, तो यार लाल कलर का बटन आ रहा है इसको सब्सक्राइब करो, ये बेल आइकन आ रहा है इसका जाके ऑल पे क्लिक करो, ताकि जब भी हमारी टीम ऐसी अच्छी इन्फॉर्मेटिव वीडियो डाले उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। तो चलिए वीडियो के टॉपिक की तरफ वापस आते हैं। तो देखिए जिस तरह से लोगों के पास टाइम कम होता है तो हैंड फीड का बहुत मसला होने लगा है, जिस तरह से टाइम शॉर्ट होता है, कोई जॉब करता है, कोई अपना बिजनेस करता है। तो अगर किसी के पास टाइम है, कोई चाहता है कि वो छोटा बच्चा पाले तो ठीक है, नहीं तो आप ये है कि सेल्फ बच्चा उठा सकते हैं। जैसे जो फॉरन सेल्फ पे आया हो तो कॉकटेल्स तो मेरे आपने देखे होंगे कि सलाम करते हैं, इनकी वीडियो भी डली हुई है यूट्यूब चैनल पे मेरे, और एक छोटे तोते की भी मेमोरी जो है वो 20-25 वर्ड सीख सकता है, सही है। तो इसमें मैं बताऊंगा आपको कितना बड़ा बच्चा लेना चाहिए। कॉकटेल का है बच्चा तकरीबन 3 महीने का, 3.5-4 महीने का बच्चा जब हांडी से कूदे, खाना उठाना शुरू करे, आपका कोई दोस्त हो, कोई सेटअप वाला हो तो उससे बोले आप मुझे छोटा चिक जो है वो दे दें, ठीक है। वो क्या होता है, उसमें थोड़ी सी डर हेजिटेशन होती है। मैं कल जो है मार्केट से एक ऑस्ट्रेलियन का चिक लेके आया हूँ, तकरीबन जो है वो सेल्फ चिक है, और वो आपको दिखाता हूँ वीडियो में, और देखें उसको मैंने पर काटे उसके और उसको हाथ पे लिया और किस तरह से उसको ट्रेंड करना होता है, सही है। तो चले मैं दिखाता हूं, पहले इसको छोड़ दूं मैं, ठीक है दोस्तों। तो ये है जैसा कि मैंने पहला टेम करा था, उसका मैंने नाम रखा था लवली, सेम हैज ग्रे कलर का था, ये भी ग्रे कलर का है, देखे उड़ गया। तो भाई ये जो थे कॉलोनी में था तो माशाल्लाह से पर काटने के बाद भी वजन हल्का है, तो और ज्यादा पर नहीं काट सकता, फिर बुरा लगेगा। अब मैं आपको बताऊंगा कि मैंने इसको सबसे पहले पकड़ के क्या चेक करना होता है। जब आपने सेल्फ का बच्चा लिया उसको यूं चेक करेंगे आप, उसकी बाइट फोर्स चेक करेंगे, इसकी बाइट फोर्स है ही नहीं, जब उसकी बाइट फोर्स नहीं होगी तो समझे वो टेम हो सकता है। इसके अभी कलर नहीं आया, अगर आप बजरी खरीदते हैं तो कलर नहीं आया, लोटिनो भी लेते हैं तो लोटिनो का अगर डार्क ग्रे डार्क रेड कलर आ गया है येलो पे तो फिर वो बड़ा दाना हो गया, अगर उसका कलर फीका है तो वो बच्चा है। इसी तरह से जब आप फिशर में लेते हैं, अगर चोच उसकी काली है, क्योंकि फिशर की रेड होती है, जब बच्चा होता है काली है, अगर उसकी चोच पे ब्लैक ब्लैक डॉट आ रहे हैं तो वो पट्ठा है। ये देखें इसको मैंने लिया और इस तरह से स्टेप अप, गुड बॉय, स्टेप अप, स्टेप अप, ये देखें सही है, थोड़ा सा उड़ेगा लेकिन ये है कि दोबारा इसको पकड़ के बिठाऊंगा मैं, तो ये जो है एक दो दफा उड़ेगा लेकिन इसका थोड़ा थोड़ा करके डर हेजिटेशन निकल जाएगा, ठीक है। सबसे आसान होता है इनको टेम करना। अच्छा इसमें क्या है, आपको एक तो आपको फीड नहीं करानी है, सेल्फ का बच्चा उठाते हैं, थोड़ा सा इसने मेरा सांस फुला दिया क्योंकि ये इधर उधर भाग रहा था, तो इनको बचाना भी होता है क्योंकि ये फौरन पकड़ लेना तो पांव गया बाजू गया, इसलिए आओ स्टेप अप, स्टेप अप, नो नो, शाबाश, गुड बॉय, गुड बॉय, लवली, गुड बॉय, सही है। इस तरह से इसको लेना है आपने, स्टेप अप, गुड बॉय, ये देखें इसका डर हेजिटेशन जो है काफी हद तक खत्म हो गया। और जिस तरह से मैंने आपको बताया है कि पैरेट जो है आपके शोल्डर का आदि ना हो तो आपने अपने थंब को इस तरह से रखना है, स्टेप अप, गुड बॉय, स्टेप अप, तो आप इस तरह से करेंगे तो ये टेम हो जाएगा। मैं इसको कल लेके आया हूँ, कल जो था वो संडे का दिन था और उसके बाद मैंने इसको करा है, तो ये माशाल्लाह से ये देखें आप टेम हो गया, सबसे जल्दी टेम होते हैं, ये हो गए कॉकटेल हो गए, ठीक है। ये ऐसे रहेगा, फिर उड़ गया, सही है, फिर पकड़ते हैं इसको, आय अल्लाह तुमने मुझे थका दिया और वीडियो में मेरी सांस भी फूल गई। तो ये देखें इसको, इतने बड़े बच्चे को आप फिर आपने ट्रेनिंग देने का तरीका क्या है फिर वो मैं आपको बताऊंगा, क्योंकि वीडियो हो जाएगी लंबी, फिर इतनी लंबी वीडियो कोई देखता नहीं है। इस वीडियो में मैंने आपको ये बताया है कि भाई सेल्फ फीड का जब बच्चा लाए, कोई भी हो, फिशर हो, लुटीनो हो, कॉकटेल हो, लवबर्ड की कोई भी वैरायटी हो, सही है, आपने टेम करनी है तो आपने बाइट फोर्स चेक करनी है, अगर बाइट उसकी बाइट में ताकत नहीं है तो आराम से टेम हो जाएगा, ठीक है। ये देखें माशाल्लाह से टेम हो गया, अगर ये मेरे पास रुक गया
क्योंकि मेरे व्यूअर सब्सक्राइबर आते हैं वो ले जाते हैं भाई। अदिल भाई हमें दे दें, आप दूसरा ले लीजिएगा। ये देखें किस तरह से स्टेप अप, गुड बॉय गुड बॉय। जहां ये भागने लगे स्टेप, डर हेजिटेशन खत्म होगी और इंशाल्लाह 3 महीने में टॉकिंग सीख जाता है। वो बजरी वाली वीडियो में इसमें डालूंगा, आप देखिएगा कि मैंने उसको लवली लव यू अस्सलाम वालेकुम मम्मा मम्मा का बेटा हूँ ये सारी वर्डिंग दी थी। तो जिन लोगों की एक तो रेंज कम होती है और जिन लोगों का शौक भी होता है, मतलब जो ये समझते हैं कि नहीं यार हम बड़ा पैरेट जो है वो शोर ज्यादा करता है, ग्रे पैरेट हो गया उसकी टेक केयर ज्यादा है, छोटा है इसको कहीं पे भी अपने साथ ले गए छोटे से केज में ले गए फैंसी से, तो और छोटे कुछ को पसंद भी होते हैं जैसे बच्चे हो गए या घर में जो फीमेल्स होती है हमारी सब्सक्राइबर उन्हें भी पसंद होता है, इसको रखना भी इजीली होता है। बड़े पैरेट का शोर शराबा ज्यादा होता है तो, और कुछ लोग लाइक करते हैं तो वो ये पैरेट को टेम कर सकते हैं, जैसे दिल चाहे आप इसको टेम कर सकते हैं। ठीक है, इस तरह से इसकी डर हेजिटेशन निकाल सकते हैं। तो उम्मीद करते हैं कि इस वीडियो से आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। वीडियो अच्छी लगे तो यार अच्छे अच्छे कमेंट से जो है ना इनबॉक्स भर देना। ये जनाब फिर चले गए, तो नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ आपसे फिर मुलाकात होगी। इस वीडियो के लिए हमें हमारे प्यारे प्यारे पैरेट को दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज़।